नमस्कार, मैं मंजीत सिंह अपने टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10वीं का इतिहास का चैप्टर 2, इसके 2 भाग हम कर चुके हैं और आज हम इसका तीसरा भाग करने जा रहे हैं। आज के इस भाग में हम मुख्य 3 बातों के ऊपर प्रकाश डालेंगे और वो हैं रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत मूवमेंट। तो आइए सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट पे आते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? ये 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब ये आप देख रहे हैं कि 1915 यानी ये वो काल है जब विश्व युद्ध चल रहा है। अब उसके एक साल बाद 1915 में भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां या क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको दबाने के लिए ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। और ये युद्ध के, कहा गया था कि युद्ध के खत्म होने के 6 महीने बाद तक चलेगा। अब 1918 में जो वर्ल्ड वार था वो समाप्त हो गया और उसका कितना टाइम रह गया था, क्योंकि 6 महीने बचे थे यानी 6 महीने और थे उसको लागू रहने तक। 1918 के 6 महीने के बाद लगभग इसको लागू रहना था, लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने और चाल चली, इसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को आगे 6 महीने बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक नया एक्ट लेके आए जिसी को ही हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में इन्होंने बना दिया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट जो एक जज थे उन्होंने ये पास किया था और उसके तहत क्या था, उसी का ही एक्सटेंशन था, तो डिफेंस जो इंडिया एक्ट बनाया गया था जिसके तहत ये था कि भारत में जो राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको बंद करना है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके प्रावधान रखे, इस रॉलेट एक्ट के कुछ प्रावधान रखे। वो प्रावधान क्या थे कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट या जेल में रखा जा सकता था, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर बताना होता है, जज के पास लेकर के जाना होता है उसका कारण ताकि वो बता सके। लेकिन उस काल में क्या है कि 2 साल तक आपको जेल में रहना है और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। और ये भी कहा गया कि किसी की घर की भी जो तलाशी है वो ली जा सकेगी, किसी के घर की बिना सर्च वारंट के तलाशी ली जा सकेगी। तो इस प्रकार ये जो कानून था एक प्रकार से ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि काला कानून है। अब इसका विरोध होना शुरू हो गया, जो भी मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के उस समय उन्होंने वहां से अपना पद छोड़ दिया और जगह जगह पर पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा। गांधी जी भी अब आगे आए, उन्होंने भी घोषित कर दिया कि सब लोगों को ये कहा कि हम एक साथ जो है इस रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे, ये प्रस्ताव पारित हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अब देख रहे हैं कि रॉलेट एक्ट का ही आगे का रोल जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ या जलियांवाला बाग में जो मैसेकर है उसकी तरफ जाता है। अब यहां पे क्या हुआ कि पूरे भारत में खास करके उत्तरी भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था और उसी के तहत क्या हुआ कि अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर 2 प्रमुख नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको डिपोर्ट कर लिया गया। अब इससे क्या हुआ, वहां के जो लोग थे पंजाब के वो काफी और ज्यादा खफा हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर के हिंसात्मक रूप से प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया और इसीलिए पंजाब में एक मार्शल एक्ट लागू किया गया। मार्शल एक्ट क्या होता है कि
कि एक प्रकार से कर्फ्यू होता है जिसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता, पूरी तरह से सारे का सारा जो क्षेत्र होता है वो आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। अब क्या हुआ, 13 अप्रैल का दिन आ गया, 13 अप्रैल 1919 का दिन आया, वहां पे क्या था, अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग जो थे आसपास के गांव से आए हुए थे, एक प्रकार से बैसाखी का मेला लगता था वहां पर और उसमें इकट्ठे होने के लिए वो आ रहे थे, और साथ में कुछ लोग जो यहां पर गिरफ्तारियां हुई थी खास करके सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की, उनका उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। अब जो बाहर से लोग आए थे उन्हें तो नहीं पता था ना कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है, और क्या हुआ बाद में, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल था जनरल ओडवायर, उसने हुक्म दिया जनरल डायर को जो कमांडिंग ऑफिसर था कि जाकर वहां पे जो अमृतसर के अंदर सभा एकत्रित हुई है उसके ऊपर जाकर के अपना काम जो है वो करे। अब क्या हुआ, जलियांवाला बाग की जब हम बात करते हैं वो एक प्रकार से इस प्रकार है और सिर्फ उसका एक ही छोटा सा गेट है बाग में। आजकल पार्क में हम क्या देखते हैं, दोनों या तीनों तरफ चारों तरफ पार्क के गेट होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही गेट था और लोग अंदर बैठ करके अपना प्रदर्शन भी कर रहे थे, मेला भी मना रहे थे। तभी क्या हुआ, इधर से जनरल डायर अपनी सेना की टुकड़ी के साथ अंदर दाखिल हुआ एग्जिट पॉइंट इसमें से, और यहां पर इस प्रकार जा करके अपने उसने सैनिक खड़े कर लिए और आप वो आगे खड़ा हो गया, और जितने भी वहां पे लोग थे उनके ऊपर उसने आदेश दिया फायर, सब जितने भी सैनिक थे सबको आदेश दे दिया फायर, यानी जितने लोग हैं उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दो। और इस कह सकते हैं जो त्रासदी हुई यहां पर, एक भीषण हत्याकांड हुआ, बहुत ही ज्यादा लोग उसमें मारे गए। यहां पर एक कुआ है और कई लोग सोच रहे थे कि शायद हम कुएं में छलांग लगा करके अपनी जान बचा लेंगे, और वो एक के बाद एक करके उस कुएं में छलांग लगाने लगे जिससे दुआ पड़ने से कई लोग कुएं के अंदर ही मर गए, कुछ लोग गोलियों से कुछ लोग कुएं के अंदर छलांग लगाने से और दुआ की वजह से मर गए। इस ये जो हत्याकांड था इसका बहुत ही बड़ा विरोध हुआ, और इसके चलते हुए गांधी जी ने और जो अन्य नेता थे उन्होंने अपना जो था कह सकते हैं रोष प्रकट किया, और इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ भारत में लोगों के मन में और जो नेता थे उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था वो बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसकी परिणति आगे हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के रूप में होती है। अब इसी प्रकार एक और मूवमेंट यहां पर हमें देखने को मिलता है, वो है खिलाफत मूवमेंट। अभी खिलाफत मूवमेंट क्या है ये जरा जान लें, इसका भी जो संबंध है वो प्रथम विश्व युद्ध से ही जुड़ा हुआ है। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि जर्मनी और तुर्की एक तरफ थे, अब जर्मनी और तुर्की दोनों हार जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, आपको पता ही है। अब उसमें क्या हुआ कि जो तुर्की था या टर्की जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था और उसकी मुख्य सीट वहीं पर थी तुर्की के अंदर, और कहा जाता है कि तुर्की का या टर्की का जो राजा था वो एक प्रकार से पूरे संसार के मुस्लिम लोगों का खलीफा माना जाता था, आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ईसाइयों का जो आध्यात्मिक गुरु पोप है, और उसी प्रकार उस समय मुसलमानों का जो आध्यात्मिक गुरु था कह सकते हैं स्पिरिचुअल जो हेड था वो कौन था, खलीफा था। अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है 1919 में। अब उसके तहत जर्मनी के साथ साथ तुर्की को या तुर्की के ऊपर भी बहुत ही अपमानजनक ह्यूमिलेटेड कह सकते हैं और सख्त हर्ष संधियां थोपी गई। अब जब ये संधियां थोपी गई तो पूरे संसार में इसका विरोध होना शुरू हो गया कि खलीफा के खिलाफ हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही बात भारत में भी थी। भारत के जो लोग थे जो खास करके मुस्लिम वर्ग जो था वो भी अंग्रेजों की इस नीति से बहुत ही
कह सकते हैं खिलाफ था उनके, और इसीलिए मोहम्मद अली और शौकत अली दो ब्रदर ने क्या किया, अपनी एक कमेटी बनाई और एक खिलाफत आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जो तुर्की में किया गया है वो ठीक नहीं है, जब तक वो उसके खिलाफ जो अपमानजनक और सख्त संधियां थोपी गई हैं वो वापस नहीं लेगा, तब तक हमें अपना आंदोलन चला करके ही रखेंगे। अब गांधी जी ने क्या किया, उनको लगने लगा कि अब एक ऐसा अवसर है कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सब अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इन सब घटनाओं को देखते हुए और भारत में जो एकता बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए भारत में अंग्रेजों के खिलाफ NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चलाने की बात कर दी, और जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी अगले वीडियो में हम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है असहयोग आंदोलन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।